हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, आफ्टरनून में मैं नीचे आके मैंने ओट्स और सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करके इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, क्योंकि अभी शिवांश छोटा है, अभी उसके दांत नहीं है तो उसको निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पीस लिया था। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनके अभी दांत ना निकले हों, तो इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चा आसानी से खा लेता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी गरम गरम पूड़ी और छोले और अरवी की सब्ज़ी। तो मैंने जैसे कि मॉर्निंग में ब्लॉग शेयर किया था, तो ये मेरा आफ्टरनून का ब्लॉग है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ फ्रेंड, मैं तीनों टाइम का ब्लॉग शेयर करूँ, चाहे एक डेढ़ मिनट का हो बट शेयर करूँ। तो अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को में कुछ कमेंट्स भी भेजिए, और मुझे पता नहीं चलेगा ना मेरा कौन कौन मेरा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो अगर जिसको अच्छा लगता है तो प्लीज़ देखिए। फिर उसके बाद मैं आईडी की ट्यूशन गई थी, तो वहाँ पे गणेश जी रखे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात जो उनका पीछे का बैकग्राउंड था, वो जहाँ ट्यूशन पढ़ती है आईडी, दोनों लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने डिस्पोजल के गिलास से उनका वो बनाया था पीछे का, जो जो जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत लाइटिंग वगैरह खुद ही करी थी उन्होंने, बहुत अच्छे लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने वीडियो शूट की थी, रील्स भी बनाई थी। तो ये एडी हैं, एडी बोल रही मैं आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एडी बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड, मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।